कह रहा है INSTC के तहत, मतलब तो चाइना का जो मंसूबा पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान ले चुका है चाइना जो सी पैक के लिए, वो सी पैक क्या कर रहा है? अगर सी पैक तो इतना सा है जैसे कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे हमसाय मुल्क इंडिया में कंप्लीट हो चुके हैं। जब पाकिस्तान बना, कायदे आजम ने पहली भीख तो अमेरिका से मांगी $500 मिलियन की, फिर गंदुम मांगा, मांग मांग के ऐसा, फिर ऐसा करो ना, ये हटा के मदरसा सिस्टम करो, हमें पता तो चले कि हाँ भाई इस्लाम इस तरह से दे देते हैं कि हमारे पूरे पाकिस्तान में आज तक कोई हिंदू वजीर आजम, कोई सदर नहीं बना, कुछ पे और व्हाइट रंग हमने डाल दिया। देखिए झूठ पे झूठ, कितने झूठ मैं आज कहूंगी, व्हाइट रंग इंडियन है वहां पे स्कूल में, चाहे हमारी असेंबली होती है तो हम जो अजी दुआ पढ़ते हैं, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इससे आगे हम कभी गए नहीं है, वहां पर सबसे पहले स्कूल में नारा लगाया जाता है वी आर इंडियंस। मैं इस शर्म से नहीं जाती मुल्क से बाहर के मेरे पास जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मैं नहीं जा रही, पाकिस्तान की राय कोई अहमियत नहीं रखती, हम इतने काबिल होते ना तो आज हम यहाँ पे ना होते, हमारी क्यों क्या मुझे अल्फाज आ रहे हैं, मैं बोलूंगी तब फिर बहुत से लोगों को गुस्सा आ जाएगा। इन्होंने विमेन को मटेरियल के मानी में इन्होंने जज करना होता है, क्राइम करना इनके लिए एक प्राउड की बात होती है। हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि जेल किसके लिए बने हुए हैं, मर्दों के लिए बने हुए हैं। पाकिस्तानियों ने जिस तरह लिबास इस्लाम को ओढ़ के इस्लाम को रिप्रेजेंट किया है ना, ऐसा इस्लाम पूरी दुनिया में मैंने नहीं देखा। मैंने मैस कम्युनिकेशन किया है, मेरा अभी लास्ट सेमेस्टर रहता है, मतलब मैस कम्युनिकेशन की डिग्री मेरे हाथ में आएगी, मगर क्या हुआ, मैस कम्युनिकेशन कर 4 साल लगाए मैंने, 4 सालों के बाद मुझे क्या मिला, यूएस पे क्या हुआ हमें पता है, हमारे मुल्क पे किसकी गंदी नजर है, हम अपने दुश्मनों को जानते हैं, पाकिस्तान और हम जो आर्मी है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हाँ हम एक है ये बताने की जरूरत नहीं है हम, इसलिए हमारा मुल्क जितना बर्बाद हो। क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि रशिया जो अपने एक्सपोर्ट कर रहा है चीजों की ईरान के रस्ते से सऊदीया को, वो कर रहा है INSTC के तहत, मतलब उसके रस्ते से कर रहा है। अगर हम ऑपोजिट अपनी बात करें तो चाइना का जो मंसूबा पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान ले चुका है चाइना जो सी पैक के लिए, वो सी पैक क्या कर रहा है? अगर हम इंडिया की बात करें, वो चीजें जो डिवेलप कर रहे हैं उनको अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर रहे हैं, बट हमारा पाकिस्तान सी पैक के लिए क्या कर रहा है और उसका मंसूबा कहाँ तक पहुंच जाए, आपसे जानना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, और सी पैक तो इतना सा है जैसे कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे हमसाय मुल्क इंडिया में कंप्लीट हो चुके हैं और आ भी रहे हैं। अब आपने कहा कि उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और जो है वो उस रूट को इस्तेमाल करते हुए अपनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उन्होंने जारी कर दी है, लेकिन हमारा सी पैक वहीं का वहीं खड़ा है। और कोई कहता है $25 अरब इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, कोई कहता है $30 अरब, एक मुल्क जिसके अंदर 25 से 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो और उस मुल्क के पास 1 अरब ना हो, तो ये बात मुझे आज तक कभी समझ नहीं आई। एक्चुअली इंडिया में क्योंकि काफी टाइम हो गया हम काम करते, छोटी खबर भी हम तक पहुंचती है, बड़ी खबर भी पहुंचती है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, हमारी क्या कर रही है, तो हमेशा हम कंपेरिजन के मूड में चलते रहते हैं। देखिए वहां हमारे मुल्क में आ चुके हैं बड़े बड़े मगरमच्छ जिसको हम सादी जुबान में कहते हैं, अब जिसको फायदा हो रहा है लूट मार से वो हमेशा लूट मार का बाजार गर्म रखेगा, वो तो नहीं चाहेगा कि फेयर वाली गेम हो तो चलो मुल्क बन जाए। एक्चुअली हमारा मुल्क जितना बर्बाद होगा उतनी ही यहाँ पर जो 500-600 जो घर हैं, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट में है, जो हमारे गवर्नमेंट में है, उनको फायदा होगा, जितना लूट मार होगा। अगर कोई काबिल इंसान आएगा, कोई अल्टरनेट रास्ता ढूंढेगा, सी पैक देखिए नो डाउट सी पैक एक अच्छा प्रोजेक्ट है, हमें लगता है कि चलो इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे मुल्क में डेवलपमेंट की हमने सोचा था। जब सी पैक स्टार्ट हुआ तो सी पैक से वो आज तक वो डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिले कि वो सी पैक का प्रोजेक्ट क्या है, क्या पाकिस्तान को चुकाना है, उनकी हमारी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगी। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स गायब है, आपको कभी भी नहीं सी पैक के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और आज तक किसी पाकिस्तानी को नहीं मिले, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि वो हमने देखिए चाइना ने हमें बुलाया था कि ये काम आप करो, लेकिन जैसे करप्शन शुरू, ठेकेदार पे उसका छोटे ठेकेदार सारे के सारे खाने के चक्रों में लगे थे, तो उन्होंने क्या किया अपने इंजीनियर ले आए, उन्होंने कहा जितने में यहाँ पर एक पुल बनाया इतने ही पैसों में हम चाइना में 5 पुल खड़े कर लेते हैं, हमारे इंजीनियर्स हटा दिए, फिर अब हमारे रह के ये लेबर रहेगी। अब लेबर के बाद भी क्या खड्डे चले गए जहां पर चाइनीज इकट्ठे होते हैं, 8-10 लोग वहां पे इकट्ठे होके बॉम ब्लास्ट कर देते हैं, अभी चाइना के बंदे पे ब्लास्ट फैमी लगा दी, तो मतलब काम करने नहीं देना।
अब क्यों नहीं करने देना, नाम पाकिस्तानियों का बदनाम होता है, नाम कश्मीरियों का बदनाम होता है। बेसिकली एक ग्रुप है यहाँ पर जो पाकिस्तान का भला चाहेगा ना, ये चीज तो मैंने रोड पे जाके मुझे अब बहुत अच्छे से पता चल गया, जो बंदा, जो सियासतदान, जो भी लीडर पाकिस्तान का भला चाहेगा ना, अगले दिन वो पाकिस्तान से गायब। बस ये चीज समझे, ये मुल्क में लोग भी है, मुल्क में। हाँ, आपको लगता है कि सिर्फ सियासतदान की हद तक फ्रीडम नहीं है या आम पब्लिक की हद तक भी फ्रीडम नहीं है? देखिए, अगर थोड़ा सा मुल्क चल रहा है, ये बात मैंने पहले भी शायद अपने शो में की थी या कोई किसी के शो में मैं गई थी, हम सियासतदान को बड़ी गाली देते हैं, सियासतदान लूट के खा गया, करप्शन के लिए, वो है। लेकिन ये जितना मुल्क चल रहा है ना, ये उन सियासतदानों की बदौलत चल रहा है, ये जो चल रहा है ये उनकी बदौलत चल रहा है। अगर उन्होंने भी एफर्ट करना छोड़ दी ना, तो शायद हमें, वो कहते हैं ना, वो एक हमने एक पिक्चर देखी जिसमें बच्चों को गिद्ध खा रहे थे, तो हमें गिद्ध यहाँ पर आके खाना शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली माफिया इतना बड़ा है इस मुल्क का, इतना बड़ा माफिया है कि आप एकदम चौंक जाएंगे कि ये जिन पाकिस्तानियों के साथ हम लड़े हैं, जिनके ऊपर हम इल्जाम लगा रहे हैं, नहीं, ये मासूम लोग हैं, ये तो विक्टिम है, जो शिकार करने वाले बड़े बड़े शिकारी हैं। मुल्क पाकिस्तान जितना बर्बाद होगा, जितना कर्जा चढ़ेगा, उतने ही ये जो लोग हैं जो इसको चला रहे हैं, उतने खुश होंगे, क्योंकि उनका बैंक बैलेंस उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जितना पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा के फायदा हासिल कर सकता है, उतना वो फायदा पहुंचा के मुनाफा हासिल नहीं कर सकते हैं। वो इंडिया की आप बात कर ले, कितने अभी देखे 2-3 सालों में इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, 2-3 साल, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया को बनाना है, उनको पता है हमने अपने मुल्क को कंपटीशन में लेके आना है, उनको पता है एक विजन है ना, एक विजन क्या है, 2047 एक विजन है, कोई मकसद है 2047 तक नजर आ रहा है, उसके तहत काम करेंगे। हमारे मुल्क का अगर कोई लीडर यार आता भी है ना अनम, वो आराम से चले जाता है। तो जब तक हम भूटो से जान नहीं छुड़ाएंगे, हम आगे भाग नहीं सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मैं देख रही थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लास्ट ही उनके 15 अगस्त पे काफी वीएन जो है वो अपने अपने जो आवाम थी उनके साथ शेयर किए कि हम आने वाले टाइम के अंदर ये करेंगे। और दूसरी जानब हमारे यहाँ पर जो भी स्पीच हुई, जिस भी, मैं अब अदारों का या किसी का नाम तो लूंगी नहीं, लेकिन जहां जहां जो जो स्पीच हुई आपने भी सुनी होगी कि उन्होंने अपने क्या वीएन बताए, उन्होंने किस चीज को डिस्कस किया, उन्होंने किस चीज को हमारी आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की। क्या आपको लगता है ये चीजें सुनने के बाद, जैसे सी पैक का काम और हमने उसकी बात किया, NSTSC की बात किया, तो क्या हमारी आवाम इस तरह से फोकस कर पाएगी डेवलपमेंट आने वाले फ्यूचर या इन चीजों को जो हमारे ऑफिशियल्स ने हमें बताया? आपने तो सुनी होगी स्पीच, मैं दोबारा रिपीट भी नहीं करूंगी। देखिए, दोनों मुल्क में कहा जाता है डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी की मिसाल आप इस तरह देख लें, वहां पे 15 अगस्त है, डेमोक्रेसी है, वजीर आजम सामने आया है। कौन आया है? वजीर आजम सामने आया है, और वो बंदा है जिसको अवाम ने जो है इलेक्ट किया है, सिलेक्ट नहीं, इलेक्ट किया है। समझ आती है भाई, डेमोक्रेसी है, अवाम की हुकूमत अवाम में चल रही है। हमारे मुल्क में 14 अगस्त है और कौन आता है? आर्मी चीफ आता है। ये डेमोक्रेसी है। वहां पर बात होती है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे हम अपने गांव की जो विलेज है। देखिए, चाइना की अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो चाइना के अंदर रेवोल्यूशन जो है विलेज से आई, ठीक है। इंडिया भी अपने देहातों को जो है प्रमोट कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ताकि ये लोग देहातों से निकल के शहरों की तरफ मूव ना करें। शहरों पे प्रेशर बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, मसले मिसाइल बनेंगे, ट्रैफिक का मसला होगा। इस वजह से इंडिया जो है अपने विलेज को बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। जैसे हमने गुड़गांव भी देखा कितना खूबसूरत, अब वो एक स्मार्ट सिटीज में आ रहा है। इसके अलावा 10 और स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट उनके हाथ चढ़े। वजह क्या है? ताकि जिस तरह लोगों की जो नकल मकानी है उसको रोका जाए। अब हमारे यहां बात करें, हमारे 14 अगस्त पे क्या हुआ, हमें पता है हमारे मुल्क पे किसकी गंदी नजर है। हम अपने दुश्मनों को जानते हैं, पाकिस्तान और हम जो आर्मी है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्या, हाँ हम एक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम सब पाकिस्तानी, लाख झगड़ ले, लाख एक दूसरे को बुरा कर ले, लेकिन फिर भी हैं हम पाकिस्तानी। 2 मिनट बाद हमारी सुलह हो जाती है, यार तू भी पाकिस्तानी और मैं भी पाकिस्तानी, चलो एक फिर से एक अच्छी शुरुआत करते हैं। लेकिन वहां पर मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हम 15,000 जो है जो विलेज में जो विमेन्स है उनको ड्रोन सिखाएंगे, ड्रोन ऑपरेट करना सिखाएंगे। अब हम जो ड्रोन के थ्रू जो है खेती बाड़ी विमेन्स को सिखाएंगे, ताकि फसल का खर्चा कम किया जा सके। पूरे फसल में खाद डाली जाती, जो हिस्सा कमजोर है जमीन का सिर्फ उधर ही खाद डाली जाए। जितने हिस्से में जो है इंसेक्टिसाइड ने जो है वो मतलब के हमला किया है, वहां पे पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाए। तो ये चीज उनके प्राइम मिनिस्टर डिस्कस कर रहे हैं, विमेन को डिस्कस कर रहे हैं, टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्टअप कल्चर को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे ये, आपको पता है दुश्मन हमारा कौन है? हमें पता है हमने दुश्मन, और ये स्पीच क्यों आ रही है मेरे और आपके सामने? नहीं हो रही,
ये हो रही है जी आर्मी के स्कूल्स में हो रही है, तो मतलब पूरा पाकिस्तान एक तरफ, आप किसी एक तरफ, हमारा इस वक्त मसला ये है कि हम एक फोरम पे भी नहीं है, अनम फोरम पे भी नहीं है, हमारा कोई एजेंडा भी नहीं है, हमारे मुल्क में निगरान हुकूमत आ गई है, वो उसका भी कोई काम नहीं है। वक्त गुजरता चला जा रहा है, कंपटीशन सख्त से सख्त हो रहा है, जितना दूसरे मुल्क स्पेशली अगर हम अपने जितने हमारे साथ बॉर्डर लगते हैं, इंडिया अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बात करूं, जितने ये मुल्क आगे बढ़ते जाएंगे पाकिस्तान उतने ही प्रेशर में आएगा, पाकिस्तान उतना ही नीचे जाएगा, पाकिस्तान उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। और मुल्क में जब गुर्बत बढ़ती है तो मुल्क में जहालत बढ़ती है, और जब जहालत बढ़ती है तो क्राइम होते हैं। और मुझे लगता है कि वो 9 में दोबारा ना आ जाए कि लोग भूख के मारे ऐसा हो कि रोडों पे पूरी आवाम चल रही है और स्टॉल लूटना शुरू हो गए, क्योंकि जब भूख हद से बढ़ जाती है और सबर आपका तमाम हो जाता है, फिर आपको राइट और कहते हैं ना रोंग में फर्क पता नहीं चलता। तो हम तो बड़ी अच्छी बात यहाँ पे करते हैं कि फलां मुल्क में क्या हो गया, फलां मुल्क में क्या हो गया। हमारे मुल्क में मैं कोई सा भी टॉपिक ले लूं, आप कोई सा भी टॉपिक ले, क्रक्स क्या है, रोटी नहीं है, बस सही बात है। हमारा मतलब सिर्फ रोटी है। आपने क्राइम की बात की है तो इसमें एक और टॉपिक जो मैं ऐड करना चाह रही हूँ, अभी आपने भी देखा होगा कि काफी कंट्रीज के अंदर ट्रेंड चला गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज और पता नहीं बायकॉट पाकिस्तानी, इस तरह के ट्रेंड चलते हैं। अब आज हम देखते हैं कि यूएई एक इस्लामिक कंट्री, अब वहां पर एक स्टेटमेंट आती है जिसमें एक थोड़ी सी स्टेटमेंट को, हमारा तो मसला भी है कि हम अपने खिलाफ कोई चीज हो तो फौरन से कट कर देते हैं, तो अब वो स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी, उसके अंदर जो है एक पुलिस वाला जो के बता रहा है, एक स्टेटमेंट दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई जो आप थूकते हो वो थूको नहीं, सड़क पे गंदगी ना फैलाओ। फिर उसके बाद वो कहता है कि जो आपकी हरकत है, जो आपकी गंदगी है, उसको कम करो, खत्म करो। तीसरी चीज ट्विस्ट में दी गई है, आपने सुना ही होगा आखिरी एक लाइन कि उसने कहा कि लड़कियों को मत छेड़ो, तंग ना करो, तो मतलब ये चीज हम लोगों ने थोड़ी सी कट कर दी, थोड़ी सी मतलब वो कर दी। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं और मुझे बताएं कि हर जगह, सिर्फ हर जगह पाकिस्तानी ही क्यों भाई, पाकिस्तानी तो बाहर भी है ना, मतलब मुसलमानों की बात करूंगी, सॉरी मुसलमानों की, अगर हम अब हम बाहर, आप भी जाती हैं बाहर, आपने भी रिव्यूज नहीं होंगे तो हम कहते हैं, तो आगे से वो कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, मुसलमानों का इस्लाम बर्दाश्त नहीं होता। तो आप मुझे बताएं कि मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है, और क्या सिर्फ पाकिस्तान का ही इस्लाम इतना है कि वो हर कंट्री जो है पाकिस्तान को दबाना चाहती है, आप बताएं। देखिए, इस्लाम और पाकिस्तान को जोड़ना नहीं चाहिए, करोड़ों मुसलमान रहते हैं और सबके सेंटिमेंट जो है इस्लाम के साथ जुड़े होते हैं और बड़ी इमोशनल फीलिंग होती है रिलीजन को लेके। लेकिन पाकिस्तानियों ने जिस तरह लिबास इस्लाम को ओढ़ के इस्लाम को रिप्रेजेंट किया है ना, ऐसा इस्लाम पूरी दुनिया में मैंने नहीं देखा। मैंने यहाँ पर इस्लाम के नाम पर, मक्का के नाम पर, मदीना के नाम पर वोट मांगते लोगों को देखा है, जबकि इस्लाम और सियासत का कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। सियासत का काम होता है कि अवाम की खिदमत करके अवाम का दिल जीतना, फिर अवाम आपको अपने वोट से चुनती है कि आप उनकी खिदमत में लगे, उनके लिए काम करें। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा खौफ देती है कि दीन इस्लाम और सियासत आपस में इस तरह से मर्ज हो चुके हैं कि दोनों को अगर मैग्नेट भी डाल के अलग किया जाए तो मेटल और नॉन मेटल तो अलग हो जाते हैं, ये हल करने वाली चीज नहीं है। उसके बाद आपने दुबई की बात की, मुसलमान पाकिस्तान का जो मुसलमान है, एक्चुअली कहते हैं हमें बताया जाता है कि इंसान माहौल को नहीं बदल सकता, माहौल इंसान को क्या करता है, बदल देता है। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों ने ये मुहावरा गलत कर दिया, हम चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तानी है हम वहां के माहौल को अपने मुताबिक कर लें। यहाँ पर लड़कियों को जब छेड़ा जाता है, लड़की चिल्लाती है, रिएक्ट करती है तो कहती है अन्ने पीछे मुंडिलवाए उन्होंने, मतलब लड़की का कसूर है, वरना हमारी बेटियां भी तो चल रही है, हमारी बेटी को तो किसी ने तंग नहीं किया, इस लड़की में कोई खामी थी, खराबी थी, डेट्स वाय जो है लड़का इसके पीछे आया। हालांकि वो राइट पे है कि उसने छेड़ा, चलो उसने अपने हक के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए आवाज उठाई है। अब जो वहां पे जो खड़े लोग हैं वो कहेंगे औरत 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 में फर्क होता है, अब ये बात होगी, अपना नहीं कहेंगे कि हमारी नजर में फतू, वो बेचारे शैतान पे भी डाल देते, इन बेचारों का तो आज तक कोई कसूर ही नहीं है। फिर ये कहेंगे कि औरत औरत का फर्क होता है, जो औरत अपने पीछे लगवाना चाहती है मर्द मर्द उसके पीछे लग जाता है, और जो औरतें नहीं लगवाना चाहती, अच्छा फिर इनसे पूछा जाता है कौन सी औरतें लगवाना चाहती है, ज़ारा जिसने सुर्खी लगाई होगी, जिसने अच्छे कपड़े पहने होंगे, जो बगैर दुपट्टे की आएगी वो खुद दावत दे रही है। हालांकि क्या हमें सवरने का क्या राइट नहीं है, आपको राइट नहीं है, मुझे राइट नहीं, मैं परफ्यूम लगा के कोई अच्छे सैंडल मैं भी पहन गई, अच्छे कपड़ा मैं, मतलब हर टाइम में मेरे से बदबू आती हो, गंदे कपड़े पहने हो तो फिर मैं बहुत अच्छी औरत हूँ। तो ये जो चीज है, पाकिस्तानी कहीं भी चले जाते हैं बेसिकली इन्होंने विमेन को मटेरियल के मानी में इन्होंने जज करना होता है, क्राइम करना इनके लिए एक प्राउड की बात होती है,
हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि जेल किसके लिए बने हुए, मर्दों के लिए बने हुए हैं, और हत्या और जो जो हथकड़ियां होती है ये तो मर्द का जेवर होती है। तो जब आप क्राइम इस अंदाज से करो कि मैं बहुत बड़ा मार्का मार रहा हूँ, तो फिर आप किसी का रेप कर दो, ये जैसे उन्होंने नस्वार की बात की है जो तंबाकू कूट के रखती हैं, तो मेरे मामू अक्सर बात करते होते हैं कि जब उन्होंने ये नस्वार जगह जगह थूकी, जो स्प्रिट की आप बात करते हैं, स्प्रिट मत करो, तो वो सोचने लगे कि कौन सा जानवर आ गया ये जो इस तरह की ये कि किसकी शिट पड़ी हुई है। तो बाद में तहकीक करके पता चला कि ये तो पाकिस्तानी नस्वार यहाँ पर फेंक रहे हैं जगह जगह। FIR की बात की, ट्रैफिक रूल्स नहीं है, लॉज नहीं है, तो हम बेसिकली समझते हैं कि सारी दुनिया शायद पाकिस्तानी है। और फिर जब वहां से हमारी पिटाई होती है, फिर हम कहते हैं कि ये इस्लाम नफरत है या पाकिस्तान नफरत है। ऐसा नहीं है, अपनी इज्जत बनानी पड़ती है, कमानी पड़ती है आज एक्चुअली। और इसमें कहती हूँ आवाम का भी कोई कसूर नहीं, निमरा इतनी जहालत है, इतनी अनम इतनी जहालत है कि मुझे उनकी जहालत पे अब जो है तरस आने लग गया है कि इन लोगों को किस दुनिया में कैद कर दिया गया है, इन लोगों को सियासी और इल्मी बयान ने इतना कैद कर दिया, मेरी और आपकी बात इनको समझ नहीं आएगी। और यही लोग फिर वहां पर सेम चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो फिर जब बाहर से निकाले जाते हैं फिर सीना पीटने का क्या फायदा। जब आप किसी मुल्क में जाते हो उसका रूल्स नहीं समझते, उसकी रेगुलेशन नहीं समझते, उसके लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझते, उस मुल्क का आईन नहीं पढ़ते हो, वहां पे एक मुसाफिर किराए के मकान में हम रह रहे हैं, जब किसी के कंट्री में जाते हैं मतलब हम किराए के मकान में रह रहे हैं, आपको पता है ना उसके मालिक की शर्तें क्या है, तो फिर जब आपको निकाल के डिपोर्ट करते हैं तो फिर सीना पीटना शुरू हो जाते, इस्लामोफोबिया हो गया, इस्लामोफोबिया हो गया। तो इन चीजों से मुझे लगता है पाकिस्तान को बाहर आने के लिए हमारे जो लीडरशिप स्ट्रांग होगी, हमें बताएगी रहने और सहने के तरीके बताएगी, तो फिर जाके जो है ना हम एक इंसान के रूप में किसी दूसरे मुल्क में जाने के काबिल हो जाएंगे। बिल्कुल शायला, आपने पहले स्टार्टिंग में बात की कि इस्लाम और ये पॉलिटिक्स दोनों को मतलब मकनातीस की तरह जोड़ दिया हुआ है। मैं बात करूं, हमारी बुनियाद रखी गई थी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आप मुझे बताइएगा क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और क्या इस्लाम और जमहूरियत की बुनियाद एक साथ हो सकती है, चल सकती है? नहीं, सबसे पहले इस नाम के ऊपर मैंने बड़ा सवाल उठाया, इस्लामी भी है और जमहूरिया भी है, ये क्या चूरन चटा दिया। जमहूरिया जमहूरी निजाम तो बहुत मुख्तलिफ है, जमहूरी निजाम में आप भी आ सकती हो, मैं भी आ सकती हूँ, मुझे भी हक है प्राइम मिनिस्टर बनने का, आपको भी हक है, आप भी जो है सीएम लग सकती है, मैं, क्योंकि जमहूरी निजाम है ना, जमहूरियत है, आवाम की हुकूमत आवाम में होती है, इसको बोलते हैं ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है। अब इस्लामी क्या, इस्लामी तो शरिया का निजाम है, वो तो एक खलीफा है, फिर दूसरे खलीफा है, फिर तीसरे है, फिर चौथे है, जैसे बादशाह का बेटा बादशाह है, खलीफा का बेटा खिलाफत संभालेगा, तो इस्लामी भी है जमहूरिया भी है, ये मुझे समझ नहीं आती। और चलो इस्लामी ही सही है, मौलाना भी हमारे पार्लियामेंट में बिठाए हुए हैं और कानून साज जो कानून बनाते हैं वो भी बिठाए हुए हैं, लेकिन जो कानून बनाने वाले हैं, जो रेजोल्यूशन पास करने वाले, वो मौलाना की हाँ के बगैर कुछ कर नहीं सकते। तो ये टोटल कंफ्यूज स्टेट है। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया, तो बच्चे कहेंगे मामा पहले जमहूरियत की डेफिनेशन बताओ और इस्लामी क्या है फिर इसमें, ठीक है? तो बुरखा भी चल रहा है और पैंट शर्ट भी चले, या तो सारी पैंट शर्ट कर दो तो या सारे बुरखे कर दो, पता तो चले इस्लाम किधर है, इस्लाम किधर है। तो ये मैं कहती हूँ क्या मुझे अल्फाज आ रहे, मैं बोलूंगी तो फिर बहुत से लोगों को गुस्सा आ जाएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो चीज 77 सालों से हमें पढ़ाई गई है, हमें सबसे पहले अपने आयन को दुरुस्त करना पड़ेगा। अरबी बनने की कोशिश करते हैं, अरबी बनने की अरबी पढ़नी नहीं आती है, बुरखा पहनने की कोशिश करते हैं, बुरखा हमारा कल्चर नहीं है, और हर अरबी लिखी हुई चीज को चूम लेते हैं, शायद वो कोई गाली लिखी हो। तो जो हम हैं हम बेसिकली वो खुद को बनाना नहीं चाहते, हम कुछ और बनाना चाहते हैं। अब आप देखें, मुझे याद है 1900 की अगर मैं पिक्चर देखूँ अपनी मामा की या फिर उनकी कजन्स वगैरह की, तो वो आज के जमाने से ज्यादा मॉडर्न थे। आज 9 साल की बच्चियों से बुरखा पहनना, बैग पहन के जा रही, और भाई ऐसी कौन सी तुम लोगों पे आफत आ गई है, 9 साल की बच्ची ने बुरखा पहना, 8 साल की बच्ची ने बुरखा पहना, 70 साल की बुरखा हमारा कल्चर नहीं है, ये अरब कल्चर है, ये अरब को सूट करता है, हमारा शलवार कमीज का कल्चर है। लेकिन क्या है जी, मुंडे छेड़ देने, वो मुंडे किसके घर से आते हैं, वो लड़के किसके घर से आते हैं, आपका भाई होगा या मेरा भाई होगा, मेरा बाप होगा या आपका बाप होगा, मेरा हस्बैंड होगा या आपका हस्बैंड होगा। तो हम अपने घर में, हमारे घर का कल्चर और हमारी सोसाइटी का कल्चर दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। बिल्कुल, दूसरी जानिब शायला हम देखें तो हम कहते हैं कि इंडिया सेकुलर स्टेट कंट्री सिर्फ नाम की है। आप मुझे बताइएगा
कि एक जानब हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कह के इस्लाम और जमहूरियत पे पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं और शायद चला रहे हैं और शायद नहीं चला रहे, कंफ्यूजन पता भी नहीं चल रहा। अब सेकुलर स्टेट भाई वो है, दुनिया मानती है, हमें नजर आ रहा है, फिर भी हम यही कहते हैं और गुमराह करते हैं, क्यों करते हैं कि वो सेकुलर स्टेट क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, आप मुझे बताएं। दिखने की बात तो अलग है, मेरा एक चीज को देखने का नजरिया अलग है, आपका अलग है, और यही चीजें पर्सनैलिटीज बनाती है। एक बात को करने का, अगर मैं आपके सामने एक वोट रख दूंगी, अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ से एक हदीस रख लूंगी, आप उसको कुछ और मतलब समझेगी, मैं और समझूंगा, दूसरा मुसलमान और समझेगा, तीसरा मुसलमान कुछ और समझेगा। ये पर्सनैलिटी और हमारी सोच का पर्सपेक्टिव है। आपने कहा कि वो एक सेकुलर है, देखे चलो मैं मानती हूँ वो सेकुलर नहीं है, ठीक है, मेरे मानने से क्या हो जाएगा, उनके आईन में लिखा है कि ये एक सेकुलर कंट्री है तो है, हमारे आईन में लिख दो ना। क्या वो सेकुलर कंट्री होने के साथ साथ ये हक अदा कर रहे हैं, क्या वो इस तरह से चला रहे हैं, क्या आप जानती हैं, आप मानती हैं, क्या मैं जानती हूँ, क्या मैं मानती हूँ, लेकिन पूरा पाकिस्तान मानता और जानता है या नहीं, लेकिन हमारे ऑफिशियल क्या बता रहे हैं। पाकिस्तान की राय कोई अहमियत नहीं रखती, हम इतने काबिल होते ना तो आज हम यहाँ पे ना होते। हमारी राय अगर कहीं मानी जाती कि अगर पाकिस्तान समझ रहा है तो लोगों के कान खड़े हो गए, अच्छा भाई पाकिस्तान कह रहा है, कोई नहीं हमें सीरियस लेता, कोई भी नहीं लेता, सब जान छुड़ाते हैं। देखिए पूरी दुनिया में जहां मीटिंग्स होती हैं, गरीब से गरीब मुल्क आया होता है जो 150वें 160वें नंबर पे होगा, उसका भी कोई अच्छा दोस्त, अमीर दोस्त उसको ले आता है, हमारे दोस्त कहते हैं भाई इसको छोड़ दो, इसको लेके जाओगे, जो मुझे लोगों ने पूछना है, मैं क्या सवाल दूंगा कि इसको मैं क्यों उठा के लेके आया हूँ, इसको तो छोड़ ही दूं। तो हमारे समझ में, और ना हमें, हमारी तो पूरी दुनिया को अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि मुल्क है क्या और इसका एजेंडा क्या है। अब सेकुलर है, इसकी बड़ी एग्जांपल हम इस तरह से दे देते हैं कि हमारे पूरे पाकिस्तान में आज तक कोई हिंदू वजीर आजम, कोई सदर नहीं बना, कोई सिख नहीं बना, क्योंकि हमने आईन में लिख दिया कि हिंदू और जो नॉन मुस्लिम उनका तो हक ही नहीं है पाकिस्तान पे, और व्हाइट रंग हमने डाल दिया। देखिए झूठ पे झूठ, कितने झूठ मैं आज कहूंगी, व्हाइट रंग झंडे में डाल दो वो पूरे पाकिस्तान पे लहर रहता है, ये व्हाइट रंग भाई क्या है भाई, ये हमारे माइनॉरिटीज का रंग है। अच्छा पार्लियामेंट के अंदर आप उनको राइट ही नहीं देते, कोई कादियानी आ जाए आप उनको राइट ही नहीं देते, तो फिर ऐसा करो ना, ये हटा के मदरसा सिस्टम करो, हमें पता तो चले कि हाँ भाई इस्लामी है, मैं और अनम बुरखा हिजाब ग्लव्स में आ जाए, मैं बड़ी खुश होके कहूंगी कि भाई ये इस्लामी है। अगर जमहूरी है तो फिर ये जो है मौलाना के थ्रू क्यों सारे काम हो रहे हैं, तो ये चीजें। उसके बाद वहां पे देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आप बात करें तो वो मुसलमान है, सेकुलर स्टेट की मैं बात करें वो काबिल इंसान थे, उन्होंने इंडिया को एटमी पावर बनाया, उन्होंने उनको सदर का खिताब दिया, और हर साल जिस दिन उनकी वफात हुई है प्राइम मिनिस्टर जाते हैं फूलों का गुलदस्ता चढ़ाते हैं। उसके बाद अदितियाल एनवन की बात करें तो एक मुस्लिम विमेन को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया हुआ था, अगर उनको सेकुलर ना होता तो क्या हिंदू विमेन इतनी काबिल नहीं थी कि वो अदित्याल एनवन को जो है प्रोजेक्ट को डिजाइन करती उसको हैंडल कर सकती थी ना, लेकिन मेरिट है इंडियंस है। वहां पे स्कूल में चाहे हमारी असेंबली होती है तो हम जो अजी दुआ पढ़ते हैं, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इससे आगे हम कभी गए नहीं है, वहां पर सबसे पहले स्कूल में नारा लगाया जाता है वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। तो जब बच्चे की आपकी ग्रोथ ऐसी हो कि हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस हैं, हम, तो फर्क नहीं पड़ता कौन हिंदू कौन सिख मुस्लिम ईसाई, एक्चुअली हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हम कंटेंट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से, कुछ चीजें एग्जांपल्स निकालने की कोशिश, ताकि हमारे एक नैरेटिव लोगों को समझ आ जाए। लेकिन इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं, अगर आप हिंदू हो तो भी फर्क नहीं, अगर आप मुस्लिम हो तो भी कोई, एक बेंच पे पढ़ रहे हैं, एक बेंच पे खा रहे हैं, एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं, ईद त्यौहार मना रहे हैं, उन लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरह हम जिस नजरिए से देखते हैं ना, वो नजरिया उनको आज तक समझ में नहीं आया। तो वो सेकुलर देश है, बढ़ रहे आगे, सबसे बड़ी बात ये है दुनिया की पांचवीं ताकत है, और रहता वो दुनिया का पांचवा ताकतवर मुल्क कहाँ रहता है, पाकिस्तान के बगल में रहता है। अच्छा तो फिर पाकिस्तान कहाँ रहता है, पाकिस्तान लोग कहते हैं चांद पे रहता है, पाकिस्तान चांद पे रहता है। तो ये जो चीजें है ना, देखिए कहने को तो सिर्फ बातें हैं 5-7 मिनट की या 10 मिनट की, मैंने और आपने करके चलेगी, लेकिन देखिए 77 सालों में हमने किया क्या क्या किया, हम FATF में बार बार गए, हमने अफगान जहाद में हिस्सा लिया, हमने 80,000 मासूम पाकिस्तानियों की जाने ली, हमने इलीगल तरीके से मुल्क में डॉलर लेके आए। आज जब से अमेरिका अफगानिस्तान से गया तभी से हमारी कश्ती डूब गई, तभी से नहीं डॉलर आ रहा, आज अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में, आज हमारी इकोनॉमी भी चलेगी, हमारे रिजर्व $20 बिलियन फिर $50 बिलियन फिर $100 बिलियन। अगर आप रिसोर्स तो चेक करो कि वो आ कहां से रहे हैं,
ये सिर्फ एक बात है, पाकिस्तान 1980 में इंडिया से अच्छा चल रहा था, इंडस्ट्री तुम लोगों ने नहीं लगाई, जो इंडस्ट्री तुम लोगों के हिस्से में थी। शेख मुजीबुर रहमान जीता था, 1 करोड़ वोट से जीता था, तो भुट्टो ने उसको काम करने नहीं दिया। इंडस्ट्रीज तो हमारी सारी बांग्लादेश में चली गई, उसके बाद कोई माइका लाल पैदा ही ना हुआ जो पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर भीख मांग मांगे। जब पाकिस्तान बना, कायदे आजम ने पहली भीख तो अमेरिका से मांगी, $500 मिलियन की, फिर गंदम मांगा, मांग मांग के मांग मांग के ऐसा बेड़ा गर्क किया कि अब मैं और आप यकीन करें, मेरी फैमिली मुझे कहती है एक फॉरेन ट्रिप कर लेते हैं। मैंने कहा यार मैं पासपोर्ट दिखाऊंगी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो लाइन में सब मुझे देखने लग जाएंगे। यकीन को मैं इस शर्म से नहीं जाती मुल्क से बाहर कि मेरे पास जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मैं नहीं जा रही। जितनी शर्मिंदगी वहां पर, और जब पाकिस्तानी कहते हैं मैं गई नहीं हूं, लेकिन जो जाते मुझे बताते हैं, कहते हैं अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं। और फिर हमारे जिस तो बैग्स की चेकिंग होती है, यकीन मानिए इतनी शर्म के बाद सारा बैग जो हमारे बैग के अंदर कपड़ा होता है ना, उसको भी वो चेक करते हैं कि ये पाकिस्तानी, इनके कुछ ना कुछ जरूर ऐसा लेके आए होंगे। आप लड़की के बैग है, मेरा बैग है, बहुत सी प्राइवेट चीजें मेरे पास मौजूद होगी, तो ऐसे एयरपोर्ट में मेरी चीजों का तमाशा लगेगा जस्ट बिकॉज के मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे बाहर ही नहीं जाना। मैं क्यों जाऊं अपनी बेइज्जती करने? मैं एक गैरतमंद लड़की हूँ, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि लोग मुझे इस तरह से देखें मेरे ग्रीन पासपोर्ट की वजह से। और पता नहीं कितने गैरतमंद लोग हो गए जो इसलिए अपने शर्म के मारे, और हमारे वालों की तो पैंटे उतर जाती है, उतरवा देते हैं भाई, इज्जत इज्जत की बात है, मैं नहीं कर सकती। पता नहीं जो करते होंगे वो चले जाते हैं, मैं तो नहीं कर। आप तो आम पब्लिक की बात करिए, हमारे तो गवर्नमेंट लेवल पर जाते हुए भी चेकिंग होती है, तो आप यहाँ से अंदाजा पाकिस्तान के। तो मुझे तो इतना डर लगता है ट्रिप से, मैंने कहा मैं नहीं बेइज्जती करा सकती, मुझे दो लोग जानते हैं, मैं ये बेइज्जती नहीं करा सकती कि एयरपोर्ट में वहां पे जो है अराइवल पे पाकिस्तान से हो तो लाइन से बाहर। कितनी मतलब एक एक भिखारी की भी इज्जत है, बट हमारी नहीं है। लेकिन लोग बेचारे निकल रहे हैं, कहते हैं जरा 5-10 घंटे की बेइज्जती होगी फिर तो जरा हालात बेहतर हो जाएंगे ना। तो मुझे अपने पाकिस्तानी आवाम पे बहुत तरस आता है, और मेरी